अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारे पास अबू धाबी एयरपोर्ट एंट्रेंस 3 और हम हो रहे हैं एंटर। बीस देर को लेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बारिश वारिश हुई है तो ठंड तो पहले ही है, अंदर एसी शेसी चल रहे हैं और ठंड है। सबसे पहले बोर्डिंग करवाते हैं तो भाई बहुत रश है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत रश है। इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गई है, बोर्डिंग पास भी हो गया, तो यार मैंने यहाँ पे कुछ दोस्त देखे हैं जिनके पास रेजिडेंसी वैलिड नहीं थी या जिनके पास सऊदी अरेबिया का विज़िट वीज़ा वो वैलिड नहीं था, तो आपका जो वीज़ा है विज़िट वीज़ा सऊदी अरेबिया का या जिस भी कंट्री में जा रहे हैं आप, वो जितना आपका वहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ स्टे है वो उतना वैलिड होना चाहिए, उसके बाद आपको यहाँ से बोर्डिंग मिलेगी। और अगर आपके पास यहाँ पे इमारात की रेजिडेंसी है तो वो भी एटलीस्ट 3 महीने होने चाहिए। बहुत सारे दोस्त मैंने यहाँ पे देखे हैं जिनको उन्होंने वापस किया, क्योंकि रेजिडेंसी का ड्यूरेशन थोड़ा था और विजिट वीज़े का भी ड्यूरेशन थोड़ा था, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी कोई मसला नहीं है। ये है टर्मिनल 1A गेट 20-22 हमारे इस साइड पे जो है वो फ्लाइट होगी, यहीं से हम लोग इंटर होंगे। तो अगर अबू धाबी एयरपोर्ट की ब्यूटी दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं यार आए हैं, क्या बात है, यहाँ पे ये काउंटर वगैरह बने हुए हैं। वही हो ये देखो भाई एयरपोर्ट, आए हाय हाय, वाह। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारा फूड कोर्ट है यहाँ पे, आए हाय चेक करो ना बाश, वाह। फ्लाइट जो है वो है अपनी 7:10 पे और थोड़ी सी रोशनी वोशनी हो रही है इस साइड पे, तो एक हिताद एयरलाइन नज़र आ रही है, बाकी एयरलाइन दिखाते हैं आपको, जो मुझे नज़र आएगा आपको भी दिखाएंगे। पासपोर्ट और बोर्डिंग पास आपके पास रेडी होना चाहिए ताकि प्रोसीड जल्दी से हो सके, जल्दी से हो सके। और टाइम आप देख सकते हैं 7:10 पे फ्लाइट है हमारी। ये हमारी एयरलाइन है विज एयरलाइन, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो एक अलग वीडियो बनाएंगे, बाकी ये इतनी चीप है कि आप सोच भी नहीं सकते। लो जी, सीट बेल्ट कसली है और जहाज जो है बस तैयार है उड़ने छुड़ने के लिए। बड़ा लंबा जहाज है, मुझे बिल्कुल आखिर में जो है वो सीट मिली है। बड़ा चलो कोई बात नहीं, eight emergency exits في هذه الدائرة تمام مخرج طوارئ two exits on the front مخرج في المقدمة. बहुत साफ है, कंफर्टेबल है, सेम टेबल यहाँ से पीछे भी हो सकते हैं, इनफ है। उसके बाद हमारे पास ये इसके स्पेस आपको नज़र आ रही, बस ये स्पेस है और नीचे एक बैग रखने की स्पेस है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक कैटलॉग है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कुछ जो आपको फ़्लाइट में फ़ूड और गिफ्ट वगैरह मिलेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ से आपको फूड्स लेकर कॉस्मेटिक्स परफ्यूम सब कुछ मिलेगा, ये है जी इसका मेन्यू। यहाँ से आपको ये वाले आइटम भी मिल जाएंगे और ये आइटम भी मिल जाएंगे, बाकी ये मेन्यू है। इसके बाद ये है ड्रिंक्स स्नैक्स और आगे ये परफ्यूम वगैरह, ये सारे काफ़ी सस्ते हैं। अगले पेज पे भी परफ्यूम्स,
के कुछ वॉलेट्स, वॉचेस और ये ब्रेसलेट वगैरह हैं। बस ये एंड हो गया। अच्छा, ये जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ पे अपना मोबाइल वगैरह कुछ चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है, एक्चुअली ये विज़ एयरलाइन का कलर है, पिंक और ब्लू, तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ एयरपोर्ट पे लैंड कर गए हम लोग। तो ये है मदीना शरीफ का एयरपोर्ट, सुभान अल्लाह। ये है हमारे दोस्त हाजी मुकर्रब साहब, तकरीबन कोई 12 साल बाद मुलाकात हुई यार, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, और वो भी मदीना शरीफ की पाक सरजमीन के ऊपर। भाई साहब कैसे हैं आप? फिर ये असल में बहुत स्लो बोलते हैं माशाल्लाह। वो है एयरपोर्ट,